हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसा देश के बारे में रोचक जानकारी आपको पेश कर रहे हैं जहाँ 49,46,000 से भी ज्यादा भारतीय लोग काम और पढ़ाई के सिलसिले में इस देश में काम करते आ रहे हैं। एक ऐसा देश जहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे गरीब लोग भी रहते आ रहे हैं। एक ऐसा देश जहाँ के लोग अपनी इनकम का 1% से भी कम बचाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ भारतीयों को 1924 तक इस देश के नागरिकता लेने का अधिकार नहीं था। जी हाँ, आज हम सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी होने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के बारे में रोचक जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप किस गांव, शहर और देश से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अमेरिका की नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़ी इमारत, आरामदायी सड़कें, महंगी कार और अमीर लाइफस्टाइल जैसे कारण से अमेरिका को जानते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित देशों की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अमेरिका का नाम आता है। वैसे तो भारत में रोजगार के अवसर न होने के कारण हर साल 25 लाख भारतीय युवा बेहतरीन करियर और नौकरियों की तलाश में अमेरिका जाने के लिए मजबूर है। दोस्तों, उत्तर अमेरिका में स्थित एक ताकतवर देश अमेरिका के ऑफिशियल नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसे आमतौर पर यूएसए अमेरिका के नाम से जाना जाता है। उत्तर में कनाडा, दक्षिण में मेक्सिको और बहामास, क्यूबा, रूस और अन्य देशों से समुद्र सीमाएं से घिरा हुआ अमेरिका क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां की कुल जनसंख्या 33,99,96,000 से भी ज्यादा है। सभी अमेरिकी में से लगभग 40% पूर्वी तट के राज्य के करीब रहते हैं, जबकि लगभग 16% पश्चिमी तट के राज्य में रहते हैं। 44,60,000 से अधिक की आबादी के साथ भारतीय अमेरिकी अमेरिका के आबादी का लगभग 1.3% है, जो दक्षिण एशियाई अमेरिकियों का सबसे बड़ा समूह बनाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के बाद दूसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश भाषा है। दोस्तों, अमेरिका में भारतीय प्रवासी की सबसे बड़ी संख्या न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सैन जोस और डालस शहर में रहते आ रहे हैं। इन 5 शहर में 35% भारतीय रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए 2023 में 2,69,000 से भी ज्यादा भारतीय छात्र अमेरिका में गए थे, जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है। दोस्तों, संघीय संवैधानिक गणतंत्र में आधारित अमेरिका की सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होने का व्यवस्था है। वर्तमान में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन सत्ता में है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया की सबसे बेहतरीन उच्च शिक्षा प्रणाली है, जहां अमेरिका में पढ़ने वाले अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी मूल रूप से चीन के बाद भारत स्थान पर आता है। 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत में अधिकांश भारतीय प्रवासी पेशावर नौकरियों में काम करने या अमेरिकी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए अमेरिका आए हुए थे। दोस्तों, अमेरिका में विज्ञान और प्रविधि का एक लंबा इतिहास रहा है, जहां हवाई जहाज, इंटरनेट, माइक्रोचिप, लेजर, सेलफोन, ईमेल और कंप्यूटर जैसी वस्तुएं शामिल है। दोस्तों, अमेरिका में अमीर लोग ही नहीं बल्कि सबसे गरीब लोग भी अधिक संख्या में पाई जाती है। एक आंकड़े के अनुसार 2022 में अमेरिका में गरीबी दर 10% से ज्यादा थी, जिसमें से लगभग 41 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते आ रहे थे। दोस्तों, दुनिया की आबादी का 5% से भी कम हिस्सा बनाने वाली अमेरिका दुनिया की कुल आय का 20% से अधिक कमाते आ रहे हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 33% के साथ अमेरिका के पास दुनिया की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, आपको ये बात पता ही होगा कि अमेरिका दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहली बार परमाणु हथियार की विकास और प्रयोग की, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में बमबारी की, जहां 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों, अमेरिका में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु राज्य के लोगों की सबसे बड़ी आबादी है, जो अमेरिका में मेक्सिको के बाद दूसरे बड़े आप्रवासी समूह है। दोस्तों, 2 जून 1924 को कांग्रेस ने भारतीय नागरिकता अधिनियम लागू करने के बाद भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन इससे पहले भारतीयों को अमेरिका के सिटीजनशिप लेने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में से 575 कंपनी अमेरिका में स्थित है। गूगल, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर, उबर और कई अन्य प्रसिद्ध कंपनियां अमेरिका में बनी है। दोस्तों, 2014 से रेवेन्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेरिकी वॉलमार्ट कंपनी है, जो लगातार 11 वर्षों से शीर्ष स्थान पर कायम रहा है। 2023 तक वॉलमार्ट के पास 4,616 शाखा है, जहां 21 लाख से भी ज्यादा वर्कर काम करते आ रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका ने 1867 में अलास्का को रूस से केवल $7.2 मिलियन में खरीदा था। अमेरिकियों ने सोना, तेल, गैस, खनिज और मछली पालन के साथ साथ चीन और जापान के साथ अधिक व्यापार की संभावना देखकर अलास्का खरीदा था। दोस्तों, एक सर्वेक्षण के अनुसार तकरीबन 81% से भी ज्यादा रशियन लोग की सोच अमेरिका के बारे में नकारात्मक है, जहां के लोग अमेरिका को हेट करते हैं। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका एक अत्यधिक विकसित और उन्नत बाजार अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी के हिसाब से दुनिया की
सबसे बड़ी और पीपीपी के हिसाब से चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, रिटेल और कृषि उत्पादन अमेरिका की मुख्य आर्थिक क्षेत्र है। दोस्तों, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना के बारे में बात करें तो अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे मजबूत और शक्तिशाली सेना मानी जाती है। दोस्तों, अमेरिकी लोगों के खानपान के कारण यहाँ के अधिकांश लोग हार्ट डिजीज और कैंसर के शिकार होते आ रहे हैं। यह अनुमान लगाया है कि 42% से अधिक वयस्कों को मोटापन है, जबकि लगभग 30% से अधिक वजन वाले लोग हैं। दोस्तों, अमेरिका के बारे में बनाई गई यह वीडियो आपको कैसे लगा, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।